नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देख रहे हैं टच इन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S9 के की स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें और करेंगे इस फ़ोन को सैमसंग के पुराने S8 के साथ कंपेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट निकल के आता है वो उसके प्रोसेसर के बारे में, जो होगा उसमें सैमसंग का एग्नोइस 9895 और सैमसंग का एग्नोइस 9। जो अगला अपडेट होगा फिंगरप्रिंट के बारे में, जो है क्या सैमसंग गैलेक्सी S7 में था फिंगरप्रिंट कैमरे के बाजू में, ये बहुत गलत बात थी जो टच करने में प्रॉब्लम होती, लेकिन इन्हें अभी इम्प्रूव किया और सैमसंग गैलेक्सी S9 में रखा फिंगरप्रिंट स्कैनर कैमरा के नीचे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जो अगले अपडेट निकल के आता है वो उसके रिलीज डेट के बारे में, जो रिलीज डेट है अब तक वो फिक्स नहीं हुई है, ये हम देखेंगे कि अब कब आएगी वो फिक्स डेट। और फ़ोन तो बहुत जल्दी आने वाली कह रहे हैं बहुत सारे लोग। जो अपडेट निकल के आता है वो है FM रेडियो के बारे में, इस फ़ोन में नहीं होगा FM रेडियो, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कंफर्म तो नहीं है कि अभी भी इस फ़ोन में होगा FM रेडियो या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि इस फ़ोन में शायद होगा FM रेडियो। जो अगला अपडेट निकल के आता है उसके कैमरा के बारे में, इसमें होगा ड्यूअल कैमरा, दोनों ही कैमरे होंगे 12 मेगापिक्सल के, और जो फ्रंट कैमरा होगा वो 5 मेगापिक्सल का होगा, सॉरी सॉरी 8 मेगापिक्सल का होगा। और ये फ़ोन सपोर्ट करेगा एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग को, और इसमें होगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। ये बात मुझे अच्छी लगी कि सैमसंग गैलेक्सी वाले दे रहे हैं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। इसकी अभी बात करते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में, इसकी स्क्रीन होगी 6 इंचेस की सुपर एमोलेड स्क्रीन। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल टच इन एजुकेशन और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। जय हिंद।